हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे पंपिंग आउट टेस्ट के बारे में, ठीक है, कन्फाइंड इक्विपर के बारे में भी और एक अनकन्फाइंड इक्विपर के बारे में, और दोनों थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिप्यूट्स थ्योरी और साथ ही साथ हम लोग थेम्स थ्योरी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो SSC JEE में आप देखेंगे मेन्स में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों पर कन्फाइंड और अनकन्फाइंड थीम्स अथवा डिप्यूट्स थ्योरी में से आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपके SSC JEE के मेन्स में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में आप देखेंगे SSC JEE में तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग परमेबिलिटी से, तो परमेबिलिटी से क्वेश्चन जो है मेंस में यहीं से बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपके सामने है ये IAS में आ चुका है 1969 में, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन आपके पेपर में SSC JEE में दिख जाए, ठीक है। तो मेंस के पेपर होने वाले हैं उसमें आप देखेंगे तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको जो है SSC JEE जो मेन्स में पिछले ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं परमेबिलिटी से, वो सारे क्वेश्चन आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ाए हैं उन्हीं सभी से क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो फंसेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये IAS में आ चुका है इसीलिए SSC JEE के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंस में ये 15 से आपका क्या होगा 20 नंबर देकर के जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं, हिंदी में पूरा बता देंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में आपको बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, राइजिंग सेंटर बस लिखना है टेलीग्राम पर, ठीक है। राइजिंग सेंटर लिखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा है ए वेल पेंट्रेट इनटू एन अनकन्फाइंड इक्वेफर, ठीक है। कह रहा है एक वेल है, एक कुआं है जो कि अनकन्फाइंड इक्वेफर में खोदा जा रहा है, ठीक है ना। अनकन्फाइंड इक्वेफर है मतलब कि क्या है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इधर आपको बता दें, देखिए ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड है, ठीक है ना। नीचे की तरफ आएंगे, जमीन से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या है इम्परवियस लेयर दिखेगा, हार्ड स्ट्राटा जिसको बोलते हैं इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आपका अनकन्फाइंड इक्वेफर है, इधर पानी भरा हुआ है। तो आगे देखते हैं इक्वेफर हैविंग ए सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ 100 मीटर, ठीक है। सैचुरेटेड डेप्थ का मतलब ये है कि इस इक्वेफर में कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी मोटाई यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन क्या कह रहा है जो पानी भरा हुआ है वो भरा हुआ है हमारा कितना 100 मीटर, ठीक है। तो यानी ये दूरी कर लगभग 200-300 मीटर होगी, लेकिन इम्परवियस लेयर यहाँ से देखेंगे तो ये हाइट आपको दिख जाएगी जहां पर वाटर टेबल होगा वो होगा हमारा कैपिटल H बराबर 100 मीटर, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो यहां पर आपको वाटर टेबल देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करें, देखिए ये आपको दिखेगा वाटर टेबल, ये हमारा हो गया वाटर टेबल, ठीक है। तो 100 मीटर पर है, उसके बाद दिख रहा है और कुआं बनाया जा रहा है, एक कुएं की बात हो रही है। देखिए एक कुएं की बात हो रही है, मतलब आपको यूज करना पड़ेगा डिप्यूट्स थ्योरी। अगर इस कुएं के साथ साथ, इस कुएं के साथ साथ दो ऑब्जर्वेशन टेबल ट्यूबवेल देते, मतलब कुआं देता, तो आप क्या करते, थीम्स थ्योरी का यूज करते, ठीक है। तो अभी एक कुआं है तो हम समझ चुके हैं कि ये डिप्यूट्स थ्योरी से ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, इसमें एक कुआं खोदा गया है, ये हम लोग कुआं खोद लिए हैं, ठीक है। कुआं खोद लिए हैं, इस कुएं से क्या करना है आपको, पानी बाहर निकालना है, ठीक है। इसका जो रेडियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, RW, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग RW, ठीक है। तो कुआं खोद लिया गया है, उसके बाद देखिए क्या है, डिस्चार्ज इज 250 लीटर पर मिनट एट 12 मीटर ड्रा डाउन, ठीक है। कह रहा जब इसमें से हम लोग पानी खींच रहे हैं तो इसमें क्या है, ड्रा डाउन हो जा रहा है 12 मीटर का, मतलब जो पानी का तालाब आपको यहां दिख रहा है वो आ जा रहा है इस जगह पर, यहां से आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा 12 मीटर, ठीक है। तो ये ड्रा डाउन हो गया, यस नॉट बराबर लिख सकते हैं यहां पर 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। और यहाँ से जो पानी निकल रही है, जो यहाँ से पानी निकल रहा है वो निकल रहा है इस ड्रा डाउन पर 250 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे की तरफ कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इतने पर यहाँ तक आ गए। उसके बाद लिखा है एज्यूमिंग इक्विलिब्रियम फ्लो कंडीशन, कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उतना ही पानी जो है इस कुएं में क्या कर रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। तो जितना आउट हो रहा है क्यू उतना ही डिस्चार्ज इसमें
इंटर भी कर रहा है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपको और जब डेरिवेशन करा रहे थे तो वहां पर हर चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर मान लिया गया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन चल रहा है, ठीक है ना। ये चीज मतलब जितना आउटफ्लो हो रहा है उतना इनफ्लो हो रहा है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है एंड ए होमोजीनियस इक्वेफर, कह रहा है जो ये इक्वेफर है आपका वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब यही है कि इस मिट्टी के अंदर, इस इक्वेफर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो आपको जो परमेबिलिटी दिखेगी वो दिखेगी आपको कॉन्स्टेंट, ठीक है। नियत दिखेगी, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर यही होता है कि किसी भी पॉइंट पर देखेंगे इस इक्वेफर में तो परमेबिलिटी आपको क्या दिखेगा, कॉन्स्टेंट दिखेगा, मतलब सेम दिखेगा। अगर आइसोट्रॉपिक कहता तो कहता किसी भी डायरेक्शन में इक्वेफर में आप देखेंगे तो परमेबिलिटी आपकी समान रहेगी, ठीक है। तो ये किसी भी बिंदु की बात होती है, जब आइसोट्रॉपिक होगा तो डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, कह रहा इक्वेफर हमारा होमोजेनियस है, ये आपको जानकारी दे रहा है। उसके बाद पूछ रहा क्वेश्चन, कह रहा एस्टीमेट मतलब गणना कीजिए द डिस्चार्ज एट 18 मीटर्स ड्रा डाउन, कह रहा है कि 12 मीटर पर तो इतना विसर्जन हो रहा है, कह रहा है अगर यही ड्रा डाउन जो है हमारा कितना हो जाए 18 मीटर हो जाए, मतलब यहां से यहां तक ये ड्रा डाउन कितना हो जाए 18 मीटर हो जाए। अगर 18 मीटर हो जाए तब हमारा क्यू यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तब विसर्जन यहाँ से पूछा जा रहा है, डिस्चार्ज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक केस में तो दे दिया गया है कि इस ड्रा डाउन पर इतना डिस्चार्ज है, तो कह रहा है 18 मीटर पर इसमें से कितना डिस्चार्ज होगा पर मिनट, कितना लीटर पर मिनट यहाँ से पानी निकलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एट 18 मीटर ड्रा डाउन, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम वेल वेयर द ड्रा डाउन इन्फ्लुएंस आर नॉट अप्लीकेबल, ठीक है ना, अप्लीकेबल नहीं अप्रिसिएबल, मे बी टेकन टू बी इक्वल फॉर बोथ केस, ठीक है। अभी आपको बताते हैं क्या है, देखिए जैसे आप ड्रा डाउन देखेंगे जब ये पानी नीचे आएगा ना, तो पहले केस में देखेंगे तो कुछ दूरी यहाँ के सेंटर से आप क्या करेंगे, कुछ दूरी तक जाएंगे जहाँ पर ड्रा डाउन आपको जीरो दिखेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है जो ड्रा डाउन है दोनों केस में उसको एक ऐसी दूरी है, एक दूरी है देखिए यहाँ से वहाँ तक जहाँ पर ड्रा डाउन आपका जीरो दिख रहा है, दोनों केस में ये दूरियाँ क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो पहले केस में आप देखेंगे ये कर्व आपको इस तरीके से मिलेगा और इस दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इसी को बोला जाता है कैपिटल आर, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं क्लास के लेक्चर में, ठीक है। ये बस क्वेश्चन है, तो आपको दिखेगा ये वाला, आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, देखिए इधर ही बना दे रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। तो यहां से आप ये दूरी अगर देखेंगे ये वाला, तो बोलेंगे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आर, ठीक है। आर जो है दोनों केस में आपका क्या है बराबर है, इक्वल फॉर बोथ केसेस, दोनों केस में आर क्या है आपका समान है। और इस कुएं का रेडियस तो आप बदल नहीं पाएंगे, आर डब्ल्यू ये भी आपका वही रहेगा दोनों केस में, ठीक है। तो पहले केस में 12 मीटर था तो आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आपका वही आर है, जब दूसरे केस में आ रहा है तब भी, जब दूसरे केस में आ रहा है जब कितना है 18 मीटर, इस समय भी आप देख रहे हैं ड्रा डाउन, तो यहाँ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वही रखना है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा केस ये है, पहला केस ये है, ठीक है ना। तो पहले केस में सब दे दिया है, दूसरे केस में डिस्चार्ज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो केवल एक कुआं है तो आप क्या करेंगे, डिप्यूट्स थ्योरी लगा लेंगे। अगर इसके साथ दो और निरीक्षण वाले कुएं रहते, ऑब्जर्वेशन वेल रहते, तो आप क्या करते, थिम्स थ्योरी लगाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि कौन सा थ्योरी लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम डिप्यूट्स थ्योरी, डिप्यूट्स थ्योरी तो बहुत आसान है, एक बार आपको सीखना है, एक बार अगर ऑब्जर्वेशन इसका कर लें, एक बार इसका डेरिवेशन आप देख लें, तो ये सब क्वेश्चन बस धुएं की तरह उड़ जाते हैं, ठीक है। और 5 मिनट के अंदर लगेगा, आपको हम समझा रहे हैं तब इतना टाइम लगेगा, वरना इनको कैलकुलेटर में डालते हैं हम सॉल्व कर देंगे तुरंत, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं डिप्यूट थ्योरी, तो हम लोग जानते हैं परमेबिलिटी के बराबर, वी नो दैट परमेबिलिटी के बराबर 2.303 log बेस 10, ठीक है, log बेस 10 कैपिटल आर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइडेड बाई आर डब्ल्यू, रेडियस ऑफ टेस्ट वेल डिवाइडेड बाई हमारा होता है पाई, और उसके बाद होता है कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू का स्क्वायर अथवा एच नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं एच नॉट, ठीक है। देखिए पहले केस में आप देखेंगे एच नॉट आपको ये दिखेगा,
एच नॉट आपको ये दिख जाएगा पहले केस में। पहले केस में देखेंगे तो ड्रा डाउन इतना हो गया, जो भी हेड यहाँ पर बचा है उसी को बोलते हैं एच नॉट। टेस्ट के बाद, जब कांस्टेंट कंडीशन चलेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस समय पानी की जो गहराई यहाँ से नीचे से ऊपर तक होगी उसी को बोलते हैं हम लोग एच नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किताबों में एच डब्ल्यू लिखा रहता है। एच डब्ल्यू लिखने का मतलब ये होता है कि टेस्ट वेल जो है उसमें जो पानी का हेड है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले केस में देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, इसमें से 12 मीटर हटा देंगे तो तुरंत आपको एच नॉट दिख जाएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं 100 माइनस क्या करेंगे 12 मीटर, ये आ जाएगा 88 मीटर। ठीक है, तो पहले केस में आप देखेंगे एच नॉट आपका आ जाएगा कितना 88 मीटर और एच तो आपका 100 मीटर है ही है। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो क्या करना है, देखिए क्यू चाहिए तो इसमें क्यू भी होता है 2.303 क्यू लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपन आर डब्ल्यू या पाई एच स्क्वायर माइनस एच नॉट। ठीक है, तो पहले केस में दिया है, केस वन की बात करें, ठीक है, केस फर्स्ट में जो दिया है वो डिस्चार्ज दे रखा है आपका क्यू। ठीक है, क्यू दे रखा है 250 लीटर पर मिनट, दूसरे केस में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे इसमें क्यू का मान रखेंगे। ठीक है, क्यू का मान रखेंगे तो के देखेंगे अननोन रहेगा आपका, लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपन आर डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे केस में, अगर फार्मूला देखेंगे दूसरे केस में देखेंगे ना तो उसमें आपको डिस्चार्ज ही निकालना है, तो अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को डिस्चार्ज के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू को एक तरफ कर लीजिए बाकी को एक तरफ। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कर दे रहे हैं, तब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का कोई ना कोई एक क्रैक होता है, उस पॉइंट को आपको पकड़ना है, जैसे आप पकड़ लेंगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्चार्ज के फॉर्म में इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्यू को क्यू बराबर लिख सकते हैं, देखिए क्यू को ही रहने देना है, बाकी को सबको इधर भेज देना है। ठीक है, क्यू को ही रहने देंगे तो ये लोग गुड़े में है 2.303 लॉग बेस 10 आर अपन आर डब्ल्यू, ये आ जाएंगे इसके नीचे, ये चला जाएगा गुड़े में। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा, ये क्यू बराबर पाई के एच स्क्वायर माइनस एच नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग बेस 10 आर अपन आर डब्ल्यू। ठीक है ना, तो ये वाला बाद में हमें क्या है, ये क्यू ही निकालना है, क्यों ही निकालना है। लेकिन फर्स्ट केस की अगर बात करें तब, फर्स्ट केस की बात करें केस वन की, अगर केस वन की बात करेंगे तो क्यू बराबर आपका दिख जाएगा 250 लीटर पर मिनट, 50 लीटर पर मिनट दिख जाएगा। उसके बाद देखिए पाई के, ये निकालने की जरूरत नहीं, इसी के टर्म में निकालिए, पाई के एच बराबर 100 का स्क्वायर, तो ये कर लें कैपिटल एच बराबर 100 स्क्वायर, इसके जगह देखिए एच नॉट पहले केस में 88 आया है तो लिख लेंगे 88 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई देखिए लिखेंगे 2.303, ठीक है, लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपान आर डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इस वैल्यू को इसके नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से दिखेगा आपको, पाई के ही रहने दीजिए, इनको जो है इधर ही रहने दीजिए, इस वाले को इसको नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो पाई के अपान 2.303, देखिए पाई के 2.303 लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपान आर डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप इधर ही रहने दीजिए, और इस वाले को इसके नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 250, देखिए 250 लीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर। ठीक है ना, 88 का स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यू मिल गई इस चीज की। तो दूसरे केस में आएंगे ना तो आपको क्वेश्चन में के नहीं दिया है, ना कैपिटल आर दिया है, ना आर डब्ल्यू दिया है, तो उस चीज में हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जैसे फार्मूला देखिए, पाई के 2.303 लॉग बेस 10 आर डब्ल्यू अपन आर के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 250 100 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एजम्पशन के अनुसार कांस्टेंट है, आर भी वही है दोनों केस में, और आर डब्ल्यू तो कुआं वही रहेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ हम लोग इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरे केस में जाएंगे, कैपिटल एच तो आपका कितना है 100 है, जो स्मॉल एच होगा उस समय देखेंगे ड्रा डाउन आपका 18 मीटर है। ठीक है, जब 18 मीटर कर देंगे तो 100 में से 18 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा एच नॉट। ठीक है, तो केस टू में चलते हैं, बहुत आसान है,
केस टू में चलिए, इसमें आपका ड्रा डाउन जो है दूसरे केस में वो है 18 मीटर, ठीक है। तो आपको दिखेगा एच नॉट बराबर कैपिटल एच, ये कैपिटल एच है, उसी में से ये ड्रा डाउन हटाना रहता है, ठीक है। तो ड्रा डाउन मतलब हटा लेंगे एस नॉट को, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, देखिए 18 हटाना है तो 18 जैसे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा हो जाएगा देखिए 100 में से आप हटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 82 होगा, हाँ ठीक है 82 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा आपका 82 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज हम निकाल सकते हैं दूसरे केस में। तो दूसरे केस में हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं Q बराबर देखिए Q बराबर होगा पाई के 2.303 लॉग बेस 10 कैपिटल R अपन RW, ठीक है वही रहेंगे, H बराबर 100 और इसके जगह 82 रख देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं, देखिए तो इसके जगह पर पाई के 2.303 इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो लिख रहे हैं 250 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई इस रेड वाले की जो बताए हैं। उसके बाद देखिए इसका दूसरे केस में 100 का स्क्वायर माइनस एच नॉट दूसरे केस में आपका है 82 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया। तो दूसरे केस में आप देखेंगे जो क्यू आएगा वो आएगा 363 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो दूसरे केस में आप देखेंगे जो डिस्चार्ज आएगा वो आएगा 363 लीटर पर मिनट। तो यहाँ पर देखेंगे ना के दिया था, ना आर दिया था, ना आर डब्ल्यू, ठीक है। बस कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन है, होमोजीनियस मटेरियल है, तो हमें पता चलेगा के वही है। कह रहा दोनों केस में रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस आपका सेम है, तो इसीलिए कि इसी के टर्म में इस वैल्यू को निकाल करके लाए हैं, तुरंत सॉल्व किए हैं, तो आ गया है दूसरे केस में आपका डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, ये भी IAS में आ चुका है, 1968 में ये आ चुका है, तो आपके SSC JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SSC JEE जो मेंस का पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछला वाला जो आप देखे थे क्वेश्चन वो डिप्यूट्स थ्योरी पर था, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो थेम्स थ्योरी पर है, ठीक है ना। तो दो ही थ्योरी आपको देखने को मिलेगा, तो इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। IAS में पूछा जाता है और SSC JEE में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं SSC JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, आपको SSC JEE में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का कुछ रहेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न। तो जो प्रश्न है देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर डायमीटर वेल पेंट्रेट्स 25 मीटर बिलो द स्टैटिक वाटर टेबल, ठीक है ना। कह रहा है कि एक स्टैटिक वाटर टेबल है, उसी से हमें समझ जा रहे हैं कि ये कन्फाइंड इक्विफर नहीं है, ये हमारा कैसा है अनकन्फाइंड इक्विफर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हमारा ग्राउंड है, पहले फिगर आपको बना देते हैं। ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। नीचे आपका हार्ड स्ट्राटा होगा, ये अनकन्फाइंड इक्विफर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और आगे बनाएंगे फिगर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा 30 सेंटीमीटर डायमीटर वेल पेंट्रेट्स 25 मीटर बिलो द स्टैटिक वाटर टेबल, ठीक है। तो इस जमीन के नीचे आएंगे तो कुछ ना कुछ आपका वाटर टेबल देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा वो वाटर टेबल है, ठीक है। इसमें एक कुआं जो है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, इसी के अंदर पेंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा स्टैटिक वाटर टेबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 मीटर नीचे जा रहे हैं, 25 मीटर, ठीक है। जबकि ये कुआं जो है ऊपर से खोदते हुए आएंगे तो ऊपर तक पहुंचाइए इसको, ऊपर तक, ठीक है। कुआं ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये दिख गया कैपिटल एच, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एच, कैपिटल एच हो गया, ठीक है। कैपिटल एच मिल गया हमें 25 मीटर मिल गया, ठीक है। जो आप टेस्ट वेल खोदे हैं, जो भी टेस्ट वेल खोदे हैं, इसका डायमीटर आपको दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, यह है आपका फाइव बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस अगर देखेंगे तो रेडियस आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 मीटर, ठीक है। तो बाद में बात करते हैं इसका, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए जरा, कह रहा है इस कुएं से जब लगातार जब हम पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो 24 घंटे बाद देख रहे हैं जो विसर्जन होने लगा वो होने लगा 5400 लीटर पर मिनट, ठीक है ना। जब ये विसर्जन आप देखेंगे डिस्चार्ज, तो ये हो गया रहेगा आपका कांस्टेंट। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। जितना पानी यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होगा उतना ही पानी इसके अंदर इंटर करने लगता है, ठीक है। उसी की ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्चार्ज है आपका कितना, 5400 लीटर
पर मिनट, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप मीटर के ऊपर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो अगर लीटर में चेंज करना है, मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड कीजिए मीटर को सेकंड में, तो फिर क्या करेंगे इसको 60 से फिर से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आएगा 0.9 मीटर के ऊपर सेकंड। आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो गया। आगे देखिए, द वाटर लेवल इन ए ऑब्जर्वेशन वेल, ठीक है। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा है, बस वेल लिख दिया, लेकिन कह रहा हूं 90 मीटर दूर है, तो हम समझ गए हैं कि ऑब्जर्वेशन वेल है, ठीक है। कह रहा ऑब्जर्वेशन वेल एट 90 मीटर इन लोअर्ड बाय 0.53 मीटर। कह रहा है कि एक कुआं है जो कि इस कुएं से, एक कुआं है जो कि इसके कुएं के सेंटर से 90 मीटर दूर है, इधर कहीं है 90 मीटर दूर है, ठीक है ना। यहाँ से इसकी सेंटर से सेंटर दूरी जो है वो आपकी 90 मीटर है, ठीक है ना। इसी चीज को बोला है R2, 90 मीटर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन वेल होता है दूसरे नंबर का, पहला वाला आपको इधर दिखेगा, ठीक है। 90 मीटर है, इसमें कह रहा है जो वाटर हेड है, ठीक है, जो इसमें ड्रा डाउन है वो दिख रहा है आपका कितना 0.53 मीटर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ड्रा डाउन आपको दिखेगा यहाँ पर 0.53, यानी कि जब देखिए इस कुएं के अंदर ड्रा डाउन होगा, जब पानी पहले वाटर लेवल है तो जब खींचने लगेंगे तो पानी लगातार इसमें गिरने लगेगा। तो पानी मान लीजिए आ गया वाटर लेवल इस जगह पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिलाइए थोड़ा, पानी कुछ दूरी से वो खींच रहा होगा, कहीं पर ड्रा डाउन आपका जीरो है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन वेल है जिसमें आप ड्रा डाउन देख रहे हैं, ये S2 बराबर ये हो गया हमारा 0.53, ठीक है, 0.53 मीटर दिख जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा भी कुआँ है जो कि 30 मीटर पर है, देखिए लिखा है एंड इन ए वेल 30 मीटर अवे, अवे अवे फ्रॉम दी, अवे नहीं लिखा है, 30 मीटर अवे द ड्रा डाउन इज 1.11 मीटर, ठीक है। कह रहे एक और कुआं है जो यहां से 30 मीटर की दूरी पर है, उसमें ड्रा डाउन कुछ और है, इसको ऑब्जर्वेशन वेल नंबर वन कहते हैं, उसको टू कहते हैं। इसमें आप ड्रा डाउन देख रहे हैं तो ये हमारा है एस टू, ये है हमारा 1.11 मीटर, ठीक है, ये ड्रा डाउन दे दिया गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ इक्वेफर। कह रहा है कि जो इक्वेफर है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगा, टी बराबर के इन टू एच, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो एच तो पता है, बस अगर के निकाल दिया जाए इसकी परमिबिलिटी तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ड्रा डाउन इन ए मेन वेल, कह रहा है इस वेल में जो यस नॉट आया है ड्रा डाउन वो कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करें, इसमें वेल के अंदर अगर हेड पता कर लें, इसके अंदर पानी का हेड अगर आप पता कर सकते हैं, अगर ये पता हो जाए ना, ये अगर पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 25 मीटर है, 25 में से हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं हम लोग के, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो ड्रा डाउन है, ये कह सकते हैं एच टू, इसको कहा जा सकता है एच टू, एच टू निकाल सकते हैं हम लोग, और इसको कहा जाता है हमारा एच वन, इसी को कहते हैं फार्मूले में, हम डेरिवेशन कराए हैं तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, कोई समस्या नहीं है। तो एच टू देखिए निकालेंगे, यहाँ से लेकर के एच टू है तो यहाँ से यहाँ तक 25 है, 25 में से ये घटाएंगे तो बच जाएगा 24.47, ठीक है ना। तो इतना बचेगा, एच टू बराबर होगा 24.47, हम निकाल सकते हैं हेयर एच टू बराबर हो जाएगा हमारा 25 माइनस, देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये 0.53 घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस एस टू, तो ये होगा 25 माइनस 0.53, तो एच टू बराबर आ जाएगा हमारा 24.47 मीटर, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा 24.47 मीटर, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद देखिए एच वन, एच वन दिखेगा ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक 25 है और उतनी ही दूरी चाहिए, तो एस टू उसमें घटाएंगे तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं 1.11 है। तो 25 में से हम लोग करेंगे 1.11, तो आ जाएगा एच वन बराबर 25 माइनस 1.11, तो आप देखेंगे ये 23.89 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एच टू आ गया, एच वन आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, आर वन निकाल सकते हैं। आर वन का मतलब होता है यहाँ से लेकर के पहले कुएँ की दूरी, तो पहला कुआँ हमारा है यहाँ से 30 मीटर पर, दूसरा कुआँ है 90 दूरी पर, तो R1 बराबर हो गया आपका 30 मीटर, R2 बराबर हो गया आपका 90 मीटर, ठीक है ना। तो ये चीज मिल गया। उसके बाद हम लोग थेम्स थ्योरी, जैसे आपको ऑब्जर्वेशन वेल दिखेगा वैसे थेम्स थ्योरी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो थेम्स थ्योरी होता है परमिबिलिटी बराबर होता है 2.303
डिस्चार्ज लॉग बेस 10 आर टू अपान आर वन डिवाइडेड बाई पाई एच का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एच टू होता है, एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फार्मूला है, अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू डालेंगे। आर टू बराबर आप 90 रखेंगे, आर वन बराबर 30 रखेंगे, एच टू का मान आप देखेंगे, एच टू हमारा आया 24.47 आया है, और एच वन का मान हम देखेंगे वो 23.89 है, ठीक है। बाकी पाई का मान रखेंगे 3.14, तो हम लोग रख देते हैं, देखिए तो क्या आएगा k का मान, तो k का मान यहां से निकल करके आएगा, तो वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, समस्या है, तो देखिए जरा k बराबर यहां से निकल करके आएगा 2.303। डिस्चार्ज हम ऊपर निकाल चुके हैं 0.09, लॉग बेस 10 R2 का मान 90 है, डिवाइडेड बाई R1 का मान 30 है, डिवाइड बाई देखिए पाई का मान 3.14, उसके बाद ब्रैकेट में H2 का मान 24.47 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया H1 का 23.89 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका k का मान आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम करके पहले से रखे हैं 1.121 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो k का मान आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो k का मान यहाँ से आ जाएगा, जैसे k का मान आ जाएगा वैसे निकालेंगे हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी के बराबर होता है के इंटू एच, आपको बता चुके हैं के इंटू एच। तो के का मान आप यहां से निकाले हैं, तो के का मान हो गया 1.121 × 10⁻³, और एच देखेंगे, एच देखेंगे जो एच था वो हमारा कितना था 25 मीटर, ठीक है। तो कैपिटल एच था हमारा 25 मीटर, तो यहां रखेंगे हम लोग 25 मीटर, जैसे आप रखेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो टी का मान आ रहा है 0.028 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं डरा डाउन, ठीक है। तो देख लेंगे किस तरीके से हम लोग डरा डाउन को निकाल सकते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं तो गला थोड़ा सा खराब है, समस्या हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग डरा डाउन कैसे निकलेगा। तो दो तीन बार वीडियो देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो मैसेज कर देंगे, तो हम दोबारा बना देंगे, अभी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही है। चलिए ड्रा डाउन देखते हैं, वो भी किस में, मैनुअल में। ये पानी का तल है, ये पानी का तल था, ठीक है ना। अब क्या दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं लेंगे, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल नहीं लेंगे, पहला वाला ही आपको लेना रहता है। जब इसके बारे में बात हो रही हो तब एक कुआं ये ले लेंगे, पहला वाला, जो कि इसके सेंटर से कितना है, R1 दूरी पर है। R1 दूरी अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। और इसमें भी डरा डाउन देखेंगे, इसमें आप देख रहे थे, इसमें ड्रा डाउन हो रहा था इस जगह पर, एस वन बराबर आपका हो रहा था 1.11 मीटर, ठीक है, इतना हो रहा था। तो एच वन आपसे निकल करके आया था, एच वन बराबर निकल करके आया था 23.89 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था, 25 था, यहाँ से यहाँ तक आपका 25 है, ठीक है ना, ये था। तो ये आपको बचेगा, आगे देखिए जरा, आगे देखिए, इसमें ड्रा डाउन मान लेते हैं हमारा क्या है, एस नॉट है, और इसमें पानी का हेड आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको एच नॉट, ठीक है, इसको एच नॉट करेंगे। अब क्या करेंगे, थिम्स थ्योरी जो है इन दो कुओं पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसके सेंटर से इसकी त्रिज्या अगर देखेंगे, इसकी त्रिज्या देखेंगे तो इसको बोलते हैं आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू बोलेंगे, इसको बोला जाता है आर डब्ल्यू, और इसकी जो त्रिज्या आप देखेंगे, डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो आर डब्ल्यू हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इसका 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आधी होती है, तो ये हो जाएगा, मीटर में चेंज कीजिए 15/100, ठीक है, तुरंत मीटर में हो जाएगा। तो आर डब्ल्यू का मान हो जाएगा 0.15 मीटर। थिम्स थ्योरी लगा दीजिए, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर के बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 2.303
लॉग बेस 10, इसमें डिस्चार्ज भी है लॉग बेस 10। उसके बाद होता है आर टू अपान आर वन डिवाइडेड बाई पाई एच टू का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों कुओं की बात हो रही है, इस कुएं को वन कह देंगे, इस कुएं को दो बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसकी बात होती है, इसमें कुछ निकालना होता है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की बात कर लेते हैं। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो जाएगी, अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया तो इन दोनों में बात होती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए के का मान इस सॉइल के लिए आप देखेंगे, के का मान तो फिक्स हो गया है, के का मान हमारा आ गया था 1.121 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ चुका है, ये वैल्यू देखिए 2.303। डिस्चार्ज हमारा दे रखा था क्वेश्चन में 0.09 मीटर के ऊपर सेकेंड, चेंज कर लिए हैं इसको। ठीक है ना, इसको चेंज कर लिए थे, तो ये हो गया डिस्चार्ज लॉग बेस 10। आर टू इस बार देखेंगे तो ये 30 दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको 30, और पहले कुएं का ये आर देखेंगे तो ये दिखाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर वन और आर टू डिवाइडेड बाई पाई, पाई पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14। ठीक है, एच टू देखेंगे बाद वाला कुआं, मतलब ये बाद वाला, ये वन लेंगे, इसको टू लेंगे। ठीक है, तो इस केस में इसको वन कह दीजिए, इसको आप टू कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एच टू आपको दिखेगा, तो एच टू हो जाएगा आपका 23.89 का स्क्वायर, और एच वन देखेंगे ही एच नॉट माइनस का एच नॉट स्क्वायर। आपको ये भी पता है, सारी वैल्यू पता है, बस इसमें यही नहीं पता है। ठीक है, तो एच नॉट यहाँ से निकल करके आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, एच नॉट यहाँ से निकल करके आ रहा है, हम इधर कैलकुलेट किए हुए हैं, एच नॉट बराबर निकल करके आ रहा है 12.8 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 12.8 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछी जा रही है ड्रा डाउन, तो यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, इसमें से ये हटाएंगे तो ये दूरी आपको पता चलेगी। ठीक है ना, यहाँ से ये दूरी आपके कितनी दिख रही थी, 25 मीटर, आपको पहले ही बता चुके हैं 25 मीटर है, 25 में से ये हटाएंगे तो ये ड्रा डाउन आपको दिखेगा 25 − 12.8, तो आपके आंसर आ जाएगा ये 12.12 कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12.9 आ गया मान लीजिए मीटर। तो ड्रा डाउन आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, गला वाला खराब है, आप क्या कीजिए, एक बार इसके एक से दो बार वीडियो देखिए, दिक्कत हो रहा था आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल वाला अगला लेक्चर अपलोड होगा, टाइप्स ऑफ ब्रिक और यूज, टाइप्स ऑफ ब्रिक आपको मिलेगा और उसका यूज। तो बीएम का आप देखेंगे, ब्रिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, अगला चैप्टर हमारा रहेगा टिम्बर। बीएम में टिम्बर रहेगा, और इस वाले में थोड़ा सा बचा हुआ है परमिबिलिटी में, उसको भी पढ़ा देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीपेज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।